हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओप्टो क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द क्रेटोकोनस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, प्रीवलेंस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इन इंट्रोडक्शन। क्रेटोकोनस वर्ड हमारा कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसमें क्रेटो मीन्स था कॉर्निया एंड कोनस मीन्स कोन शेप। क्योंकि क्रेटोकोनस में क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया वो थिन हो जाता है और बल्क आउट हो जाता है बाहर की साइड, जिसकी वजह से जो कॉर्निया की शेप होती है बिल्कुल कोन जैसी हो जाती है और इसी वजह से क्रेटोकोनस को हम कॉनिकल कोन भी बोलते हैं। सो ये हमारा प्रोग्रेसिव होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, बाइलेटरल 85% होता है और एक्टेटिस कंडीशन होती है कॉर्निया की इन इट्स एक्सियल पार्ट। सो इट इज स्टार्ट एज प्यूबर्टी एंड प्रोग्रेसिव स्लोली। नॉन जो क्रेटोकोनस होता है ये हमारा प्रोग्रेसिव होता है, ये हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में माइल्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा, सीवियर रहेगा और लास्ट में एडवांस स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे हमें पेशेंट की सर्जरी भी करनी पड़ती है। नो प्रीवलेंस अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 in 2000 पीपल ग्लोबली। नॉर्मली 2000 लोगों में से एक पेशेंट को क्रेटोकोनस मिलेगा। नाउ पैथोफिजियोलॉजिकल, तो पैथोफिजियोलॉजिकल में नॉर्मल हमारी जो होती है कॉर्नियल थिनिंग हो जाती है। इट लीड्स टू अ कोन लाइक बल्क कॉजिंग इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म एंड मायोपिया। क्योंकि जो हमारा कॉर्निया होता है उसकी कोन शेप होने की वजह से जो पेशेंट है उसको इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म रहेगा और मायोपिया होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? इट इज लिंक्ड टू वेरियस जेनेटिक मार्कर्स एंड फैमिली हिस्ट्री। इट मीन्स पेशेंट की जो फैमिली हिस्ट्री है उस पर भी डिपेंड करेगा, कई बार ये हेरिडिटरी भी होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या रहेगा? आई रबिंग रहेगी, एलर्जी रहेगी एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स में हमारा क्या क्या रहेगा? प्रोग्रेसिव मायोपिया रहेगा। इट मीन्स जो पेशेंट का जो हमारा डिस्टेंस विजन होता है उसमें जो पेशेंट की रिफ्रेक्टिव पावर है वो बढ़ती रहेगी, इट मीन्स एक पॉइंट पर स्टेबल नहीं रहेगी। सेकंड रहेगा इररेगुलर एस्टिगमेटिज्म रहेगा। थर्ड रहेगा फोटोफोबिया। फोटोफोबिया में क्या होता है, पेशेंट को लाइट से इशू होता है कि लाइट की तरफ वो देख नहीं पाते, सेंसिटिविटी होती है लाइट से। फोर्थ रहेगा पेशेंट को ग्लेयर विजिबल्स होगी इस तरीके से। फिफ्थ होएगा पेशेंट को हेलोस विजिबल्स होते हैं जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। और कुछ पेशेंट को मोनोकुलर डिप्लोपिया होता है, इट मीन्स पेशेंट को कई बार अपनी जो वन आई है उससे जो चीज़ है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उनको डबल विजिबल होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको विजिबल हो रहा है कि सिंगल हैंड है और उसकी जो इमेज है वो हमें डबल दिखाई दे रही है। तो ये क्रेटोकोनस पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। नाउ साइन क्या क्या रहेंगे? विंडो रिफ्लेक्स इज डिस्टोर्टिस। सेकेंड रहेगा प्लेसिडोरिस, इट इज एग्जामिनेशन शोइंग इररेगुलरिटी ऑफ द सर्कल। नॉर्मली जो हमारी प्लेसिडोरिस होती है वो हमारी ऐसे विजिबल होती है, बट क्रेटोकोनस पेशेंट में जो हम प्लेसिडोरिस से हम व्यू करेंगे तो उस टाइम पे हमें जो प्लेसिडोरिस के जो मायर होते हैं वो इस तरीके से विजिबल्स रहेगी। थर्ड साइन क्या रहेगा? जब क्रेटोमीट्री पे हम चेक करेंगे, इट मीन्स क्रेटोमीटर पे जब हम रीडिंग चेक करेंगे, जो हमारी नॉर्मल एवरेज क्रेटोमीट्री रीडिंग है जो वैल्यूज होती है वो हमारी 45 डेप्टर होती है। बट क्रेटोकोनस में क्या होता है कि उसकी जो स्टेज है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी के रीडिंग कितनी रहेगी। सो के वैल्यूज आर इंक्रीज एंड बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ क्रेटोकोनस इज ग्रेटेड। अगर पेशेंट को माइल्ड क्रेटोकोनस है तो वहाँ पे जो हमारी के रीडिंग रहेगी वो 48 डायप्टर से कम रहेगी। मॉडरेट केसेस में क्या रहेगा, जो हमारी के रीडिंग रहेगी वो 48 डायप्टर से 54 डायप्टर रहेगी। सीवियर केसेस में रहेगी 54 डायप्टर से ऊपर। नाउ कॉर्नियल टोपोग्राफी में हमें क्या साइन विजिबल रहेगी? डेट इज स्टडी ऑफ शेप ऑफ कॉर्नियल सरफेस इज द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग अर्ली क्रेटोकोनस। इट मीन्स अगर हमें पेशेंट का अर्ली क्रेटोकोनस ही डायग्नोज करना तो हमने कॉर्निया टोपोग्राफी से सबसे बेस्ट पता चलेगा। सो इट फॉर्म प्रिस्यूज रेपेस्ट टू द अर्लीस्ट सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ क्रेटोकोनस डिटेक्टेड ऑन द टोपोग्राफी। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, इसमें हमारी क्या क्या साइन रहेगी? सबसे फर्स्ट रहेगा वोगेट स्ट्राइक। दीज आर वर्टिकल स्ट्रेस लाइन सीन डीप इन द कॉर्निया विल डिसअपियर व्हेन जेंटल प्रेशर इज अप्लाइड। जब भी हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ पे हमें इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन्स विजिबल्स होएगी, जैसे ही हम थोड़ा सा जेंटल प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे ये यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। नाउ प्लीचेज आयरन रिंग हमें विजिबल्स होएगी। इट इज कोज बाय द डीप पोजिशन ऑफ हीमोसेडिन इन द डीपर पार्ट ऑफ एपिथिलियम एंड वुमन मेम्ब्रेन एट द बेस ऑफ द कोन। जो हमारी सेकेंड वुमन लेयर होती है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है एपिथिलियम कॉर्निया की, वहाँ पे हमें प्लीचेज आयरन रिंग विजिबल होगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से हमें रिंग विजिबल होते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में।
रिजिटो सेंट क्या होता है? When light is shown on the temporal limbus, at a bright reflex will be seen on the nasal limbus in the advanced cases. रिजिटो सेंट क्या होता है? जब भी हम पेशेंट की जो कॉर्निया होते हैं, जैसे आँख होते हैं, जब भी हम उस पर कोई लाइट का रिफ्लेक्स देंगे टेम्पोरल एरिया में, तो जो उसका जो एक रिफ्लेक्स होता है वो हमें नेजल साइड भी विजिबल होता है। मान लीजिए जैसे आपने पेशेंट की जो आई है उस पर आपने लाइट रिफ्लेक्स किया इस साइड, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो उसका रिफ्लेक्स है वो आपको नेजल साइड भी विजिबल होगा और इसी को हम रिजिटो सेंट कहते हैं और ये हमें एडवांस केसेस में देखने को मिलता है। थिनिंग ऑफ कॉर्निया कैन बी सीन, इसमें क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया की थिकनेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ही जो हमारा कॉर्निया होता है वो हमारा बल्क आउट हो जाता है बाहर की साइड और उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल कोन जैसी बन जाती है। इट इज इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ कॉर्निया नर्व्स। नाउ रेटिनोस्कोपी में हमें क्या साइन विजिबल रहेगा? सीजर रिफ्लेक्स हमें सीन दिखाई देगा जब भी हम क्रेटोकोनस पेशेंट को चेक करेंगे रेटिनोस्कोपी से। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या रहेगा? इट शोज एन एनुअल डार्क शेडो इज सीन विच सेपरेट द सेंटर एंड पेरिफेरल एरिया ऑफ कॉर्निया, जिसमें हमें ओयर डॉपलर रिफ्लेक्स हमें विजिबल रहेगा। सो हमारा जो एट साइन है वो क्या रहेगा? मंसन साइन। इसमें क्या रहेगा? इट इज लोकलाइज बल्गिंग ऑफ लोअर लिड व्हेन पेशेंट लुक डाउन इज पॉजिटिव इन लेट स्टेज। जब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो डाउन स्टेज में देखे तो वहाँ पे हमें मंसन साइन विजिबल रहेगा और ये हमें जो एडवांस केस होता है क्रेटोकोनस का उसमें विजिबल रहेगा। और जो मंसन साइन होता है वो इस तरीके का विजिबल होता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कोन। क्रेटोकोनस इज ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द निपल कोन, द सेकंड वन इज द ओवल कोन, द थर्ड वन इज द ग्लोबस कोन। नाउ डिस्कस वन बाय वन। सो निपल कोन में क्या होता है? हैज अ डायमीटर ऑफ 5 mm और लेस, ऑलमोस्ट सर्कुलर। इट विल बी लोकेटेड इन द सेंटर, पैरासेंटर एंड मोर कॉमनली इन द इंफ्रोनेजल क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड होता है हमारा ओवल कोन, इसमें जो डायमीटर होता है वो 5 mm से ज्यादा होता है, विच भी पैरासेंटर होता है, पेरिफेरल होता है और यूजुअली इंफ्रोटेम्पोरल में होता है। ग्लोबस कोन में क्या होता है कि जो हमारे कोन की शेप होती है बिल्कुल ग्लोबस जैसी दिखाई देती है, ग्लोब की तरह, और ये इसमें जो डायमीटर होता है काफी लार्ज होता है, इट मीन 6 mm से ज्यादा होता है। नाउ डायग्नोसिस, सबसे पहले जो डायग्नोस रहेगा वो रहेगा हमारा क्रेटोमेट्री। हम के रीडिंग चेक करेंगे पेशेंट की, जिससे हमें पेशेंट की कॉर्निया कर्वेचर पता चलती है और वहाँ पे हम रीडिंग के भी आप पे जो पेशेंट का क्रेटोकोनस है उसको बताते हैं कि पेशेंट को माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सेकेंड रहेगा टोपोग्राफी, मैप्स कॉर्निया सरफेस फॉर इरेगुलरिटी। इसमें हमें जो कॉर्निया सरफेस है उसकी इरेगुलरिटी से पता चलता है कि जो पेशेंट को है कौन से टाइप का क्रेटोकोनस है। टोमोग्राफी करेगी जो प्रोवाइड डिटेल देगी कॉर्निया की थिकनेस की मेजरमेंट में। फोर्थ हमारा रहेगा ओसीटी, जो कि जिससे हम पेशेंट की जो कॉर्निया थिकनेस है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेक करेगी कि जो पेशेंट की थिकनेस है कॉर्निया की वो कितनी है। कॉम्प्लिकेशंस, डेवलपमेंट हो जाती है एक्यूटाइडोप्स की ड्यू टू रप्चर ऑफ डेसमेट मेम्ब्रेन। जो हमारी फिफ्थ लेयर होती है कॉर्निया की वो रप्चर हो जाती है और वहाँ पे हमें एक्यूटाइडोप्स विजिबल दिखाई देते हैं। द कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाई सडन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्निया डीमा। पेशेंट का जो कॉर्निया उस पर स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम कॉर्निया डीमा कहते हैं। किस वजह से होता है पेशेंट को कॉर्निया डीमा? जो एक्वस ह्यूमर वो एंटर कर जाता है कॉर्निया के अंदर एंड इट इज एसोसिएटेड विद मार्क डिफेक्टिव विजन, पेन, फोटोफोबिया एंड लैक्रिमेशन। जब भी हम पेशेंट को ओसीटी करेंगे वहाँ पे हमें पेशेंट की जो कॉर्निया होते हैं उसमें हमें एक्यूटाइडोप्स के साइन विजिबल रहेगी जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नाउ एसोसिएशन, जो क्रेटोकोनस होता है मे बी एसोसिएटेड विद ओकुलर कंडीशन एंड सिस्टमेटिक कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ओकुलर कंडीशन में हमारा क्या क्या रहेगा? पेशेंट को कंजेनिटल कैटेक्ट, एनिरिडिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड वर्नल क्रेटोकंजक्टिवाइटिस रहेगा। सिस्टमेटिक कंडीशन में हमारा इंक्लूड रहेगा मार्फन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्पैक्टा एंड मिट्रियल वेल्वा प्रोलैप्स। मैनेजमेंट ऑफ क्रेटोकोनस, सो सबसे फर्स्ट रहेगा स्पेक्टिकल्स। करेक्शन में इंप्रूव विजन इन अर्ली केसेस। जिन पेशेंट को स्टार्टिंग का क्रेटोकोनस है, जिनको अर्ली स्टेज का है, वहाँ पे हम पेशेंट को स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका पेशेंट का जो विजन है वो बिल्कुल 6x6 होता है। सेकेंड होता है हमारी कॉन्टैक्ट लेंस फॉर अर्ली स्टेज, स्पेशली रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज इन अर्ली टू मॉडरेट केसेस स्पेशली डिजाइन SCL, इट मीन स्केलर कॉन्टैक्ट लेंस या रोज के मे बी यूजफुल। अगर पेशेंट को जो क्रेटोकोनस है वो अर्ली टू मॉडरेट स्टेज का, तो वहाँ पे हम पेशेंट को रिजिड गैस परमिएबल लेंस से प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमारा RGB कॉन्टैक्ट लेंस आता है और स्केलर कॉन्टैक्ट लेंस आता है।
सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा? C3R और CXL, जिसको हम कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद रिबोफ्लाविन फुल फॉर्म होती है C3R किट, मीन्स कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद रिबोफ्लाविन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्नियल टिश्यू होते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको इम्प्रूव करते हैं विद दी हेल्प ऑफ C3R। नाउ फोर्थ रहेगा इंटरकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, जिसको हम ICRS भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉर्निया है उसकी शेप को रीशेपिंग करेगी और स्टेबलाइजिंग करेगी। फिफ्थ हमारा रहेगा, फिफ्थ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारे सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का कॉर्निया है उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, इट मींस जो पेशेंट का डैमेज कॉर्निया है उसको ट्रांसप्लांट करना विद द हेल्दी कॉर्निया के साथ, जो कि हमें डोनर पेशेंट का हम यूज करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट का पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी और डीप एंटीरियर लेमिनर केराटोप्लास्टी, जिसको हम डार्क भी कहते हैं, एडवांस केसेस में करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द केराटोकोनस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू guys for watching my video।